नमस्कार, इंडिया ट्यूब पर आपका स्वागत है। साबरमती रिवर फ्रंट से इस विशेष कवरेज में आज हम बात गुजरात चुनाव की कर रहे हैं। गुजरात में तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 और 5 दिसंबर को गुजरात में दो फेज में वोटिंग होगी। बीजेपी दावा कर रही है कि एक बार फिर बीजेपी वापसी कर रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि अब की बार उनका दावा भारी है। जबकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एक बार मौका गुजरात में उन्हें भी मिलना चाहिए, और वो ये सब गुजराती भाषा में कहते हुए सुनाई दिए। लेकिन आखिर जनता के मन में क्या है? गुजरात के चुनाव की पहली ग्राउंड रिपोर्ट आ चुकी है। मेरी सहयोगी गोनिका अरोड़ा ने अहमदाबाद रिवर फ्रंट से एक रिपोर्ट भेजी है, आइए आपको वो दिखाते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 और 5 दिसंबर को पहले और दूसरे चरण की वोटिंग होनी है और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन लोगों ने अपना क्या मन बना लिया है, क्योंकि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है, और क्या आम आदमी पार्टी को भी इस बार लोग रेस में देख रहे हैं या फिर इस बार सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है? लोगों ने क्या सोचा, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हितेश भाई। हितेश जी कहाँ से हैं? गुजरात, सूरत से। सूरत से आए हैं, ये सिर्फ अटल ब्रिज ही देखने आए? अच्छा, अभी तारीखों का ऐलान हो गया, तो अभी कुछ मन बनाया है या अभी देख रहे हैं तीनों पार्टियों को कि कौन अच्छा है, कौन काम करेगा? अपना तो भाजपा ही है पहले से। भाजपा ही, और अभी दूसरी पार्टियां भी आ रही हैं? अब कोई नहीं, भाजपा ही पहले से। तो पिछली बार तो भाजपा को कम वोट मिले थे, पिछली बार तो सिर्फ 99 सीट ले। सब नहीं, सूरत में तो सब सही थे। अच्छा, आम आदमी पार्टी नहीं? आज आम आदमी पार्टी। आप भागे गए आम आदमी पार्टी के नाम पे। सर, आपका नाम? मुकेश पटेल। मुकेश जी कहाँ से? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से, तो आप दिखाने आए इनको अटल ब्रिज? हाँ, ये दिखाने आए, सूरत से आए, हम लोग गेस्ट आए तो लेकर आए हम लोग। अच्छा, तो अभी आप लोगों ने क्या मन बनाया है, क्योंकि पिछली बार भाजपा को काफी नुकसान हुआ था, कई सीटें हारी थी भाजपा, इस बार क्या लग रहा है? अभी क्या है कि जो काम करेगा वो आएगा, पक्की बात है, क्योंकि काम ही देखेंगे ना अब सब लोग। क्या पिछले 5 साल में काम हुआ? नहीं, हो रहा है, लेकिन अभी मतलब क्या है, बात है, मतलब जैसे बताते हैं ना कि भाई ये होगा होगा, मतलब अभी ये नहीं चलेगा, सब मतलब जागरूक हो गए, जिसका मतलब करके दिखाना, करके दिखाना पड़ेगा, वरना तो मतलब तकलीफ हो जाएगी। अभी क्योंकि मैदान में सब आ गए ना, भाजपा ही है, आप भी आ गए और कांग्रेस भी थोड़ा मतलब मन बढ़ा के बैठी है, इसलिए भाजपा उस कॉन्फिडेंस में थी कि नहीं नहीं हम तो जीत ही जाएंगे, लेकिन अब टक्कर में आ गई है आम आदमी पार्टी। अभी अभी टक्कर है, पूरी टक्कर रहेगी इस बार। इस बार क्या लग रहा है फिर आपको? नहीं, अभी नहीं बता नहीं सकते, नहीं बता नहीं सकते, लेकिन क्या आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को अलग अलग देख रहे हैं या फिर कांग्रेस का रिप्लेसमेंट देख रहे हैं आम आदमी पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब जो काम करेगा, मैंने पहले बोला क्या काम करेगा वही आएगा, जिसका काम अच्छा होगा वो आएगा। काम तो अभी आम आदमी पार्टी ने यहाँ किया ही नहीं है। नहीं नहीं, वो बता रहे हैं ना कि हम ये करेंगे, तो अभी क्या वादा है, अभी ये सब मतलब पब्लिक का है ना, देखेंगे क्या है क्या नहीं है। दिल्ली मॉडल को आपने देखा, आपको लगा दिल्ली और पंजाब में कुछ काम हुआ है, क्योंकि वहाँ उनकी सरकार है? अभी वो वहाँ का मिले, यहाँ तो गुजरात की बता नहीं सकता ना मैं, वो तो दिल्ली का है। बिल्कुल, लोगों ने अपने मन में बात दबा के रखी है कि आखिर आगे क्या होना है। कुछ और भी लोग यहाँ पर है, कुछ महिलाएं पहुंची हैं। अच्छा, चलिए बात नहीं कर रहे। मैडम, क्या नाम है आपका? आप आइए आइए, आप बात कीजिए, आप क्यों चले जाए? क्या नाम है आपका? ठाकुर विजय। ठाकुर विजय कहाँ से आए हैं? ऑडो से। अच्छा, तो क्या इस बार मन बनाया है, तारीखों का ऐलान हो गया, 1 और 5 तारीख को वोटिंग होनी है, 8 को नतीजे आने हैं, तो क्या लग रहा है क्या नतीजे आएंगे? नहीं, हम तो भाजपा को वोट देने वाले, जो नतीजे आए वो नतीजा बताने, लेकिन हमारे वहाँ तो भाजपा चलता है, तो भाजपा को ही वोट देना है। तो ये आपके इलाके में भाजपा चलता है या फिर पूरे गुजरात को देख के दे रहे हैं? नहीं, तो हमारे हमारे एरिया में जो लड़ता है वो भाजपा से ही लड़ता है, तो उनको ही देना है वोट हमको। और बाकी कोई पार्टी? आम आदमी पार्टी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, नहीं। आम आदमी पार्टी के नाम पर लोग भाग जा रहे हैं। रुकिए रुकिए भाई साहब, कहाँ से आए आप लोग? अरे 2 मिनट तो रुक जाइए, क्या नाम है? हाँ जी, आप बताइए क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? गाँव से। अच्छा, तो क्या इस बार लग रहा है चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी कई वादे कर रही है, कई काफी कुछ फ्री में मिलने वाला है, चाहिए फ्री में? नहीं नहीं, कुछ फ्री में नहीं चाहिए हमको, एक मोदी चाहिए। मोदी चाहिए? क्यों मोदी चाहिए? इसने क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया है, और क्या चाहिए? अटल ब्रिज का भी उद्घाटन उन्होंने किया, वही बनवाया है। और कोई पार्टी? आपका नाम? नहीं नहीं, हरीश भाई। नाम हरीश भाई। अरे रुकिए तो सही, हरीश भाई क्या लग रहा है? कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों हो रहा है? कुछ तो मन बना। अरे नहीं नहीं, चलिए ठीक है। तो बिल्कुल, और जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए ये अटल ब्रिज है जहाँ पर लोग अभी घूमने आ रहे हैं, और चाहे दोपहर का वक्त है लेकिन दोपहर के वक्त भी धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़नी शुरू होती है, और उसके बाद ये शाम तक आपको पूरा भरा हुआ ये ब्रिज दिखाई देगा, क्योंकि जो लोग आते हैं वो यहाँ पर घूमने आते हैं इस तरीके से और देखने आते हैं इसकी खूबसूरती। मैडम रुकिए, क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? कोकिला। कोकिला बहन कहाँ से है?
अहमदाबाद से। अहमदाबाद से ही, तो अभी अटल ब्रिज देखा, कैसा लगा? अच्छा है। चुनाव आने वाले, महिलाओं को क्या चाहिए? अच्छे चाहिए ना। महंगाई बढ़ गई है? हाँ ठीक है। आइए सर, आपका क्या नाम है? हाँ जी, क्या नाम है आपका? अमरुद भाई। अमरुद भाई, तो कहाँ से आए इस बार? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से, क्या लग रहा है इस बार चुनावों को लेकर? तीन पार्टियां मैदान में हैं, तो इस बार देख रहे हैं कि ऑप्शन कौन सा अच्छा है, कौन बेहतर चीजें मुहैया करवाएगा, कौन बेहतर वादे कर रहा है? वो तो अभी पता नहीं चलेगा मैडम। हाँ। अभी देखा होगा, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम फ्री में बिजली देंगे, फ्री में पानी देंगे, कांग्रेस कह रही फ्री सिलेंडर देंगे, और बीजेपी कह रही है हमने तो काम इतने साल किया ही है। लास्ट में पब्लिक तय करेगी, उसी को ही जाएगा। आप ही तो पब्लिक है, पर वो अभी बता नहीं सकते ना मैम। अच्छा। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी को आप देख रहे हैं मैदान में? आपको दिख रही है आम आदमी पार्टी कहीं अहमदाबाद? दिख तो रही है। हाँ। दिख रही है, दिख रही है। तो क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस का रिप्लेसमेंट हो सकता है? नहीं नहीं, वैसे तो इलेक्शन होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच, ठीक। आपको मैडम? नहीं नहीं, वैसे ही बोला महिलाएं। नहीं नहीं, उसने बोला ऐसा ही है। ठीक है, तो बिल्कुल और लोगों से भी हम जानेंगे कि आखिर उन लोगों की क्या राय है इस बार के चुनावों को लेकर। तो क्या नाम है आपका? नगीन भाई दवे। नगीन भाई कहाँ से आए हैं? मैं गांव कंडवा से आया हूँ। अच्छा, तो अभी अटल ब्रिज देख लिया, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। बढ़िया लगा, और स्पेशली यही देखने आए? स्पेशली फैमिली को लेकर यही देखने आया हूँ। अच्छा, ये इस बार चुनाव में तीन पार्टियां हैं, तीनों अपने अपने वादे कर रही हैं। कांग्रेस कह रही 500 में सिलेंडर देंगे, आम आदमी पार्टी कह रही 300 यूनिट बिजली दे देंगे, तो किसी का वादा पसंद आ रहा है या मन बना लिया है पहले से? नहीं, पहले से मन बना लिया है। क्या क्या मन बनाया? भाजपा। भाजपा, क्या वजह है? क्या ये जो इतने साल में काम हुआ वो दिखा है यहाँ पर ग्राउंड पर? हाँ, ग्राउंड पर दिखा है, गाँव में भी दिखा है, और इसके हिसाब से हमारे गाँव में सुविधाएं और बढ़ गई है, और जो कुछ नहीं हो रहा था वो अभी होने लगा है। क्या काम है गाँव में जो भाजपा ने किए हैं? गांव में जो हमारे गांव में, एक तो पहले तो पुलिस स्टेशन था, वो अच्छा हो गया। अच्छा। वो बस की सुविधा थी वो हो गई। हाँ। यानी नहीं, आरसीसी सब हो गया है। हाँ। ब्लॉक का काम हो गया है सब। हाँ। और जो रहने के लिए जो फ्लोरिंग का सब काम था, वो नदी का ब्रिज का, वो भी हो गया है। अच्छा, आम आदमी पार्टी को क्या आप कांग्रेस का रिप्लेसमेंट देख रहे हैं? क्योंकि जैसे आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया, दिल्ली में कर दिया, क्या आप वो गुजरात में स्थिति देख रहे हैं? स्थिति 50% दिख तो रही है, लेकिन मेरे हिसाब से तो भाजपा ही दिख रही है। भाजपा ही दिख रही है, लेकिन क्या टक्कर दे रही है जो दोनों पार्टियां? नहीं, आम आदमी पार्टी टक्कर देगी ऐसा लग रहा है। लग रहा है, सीटें काटेगी? सीटें काटेगी। सीटें काट सकती है, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। मैडम क्या नाम है आपका? दवे निर्मला। निर्मला बहन कहाँ से? कंडवा से, उनकी वाइफ। उनकी वाइफ है, तो क्या महिलाएं क्या चाह रही है? महिलाओं आधा वोटर है महिला गुजरात में, तो क्या चाह रही है महिला? हम भी भाजपा ही चाह रहे हैं। क्या वजह है? हमको इस गांव में, हम 50 साल से रहे, हमारे पोता का घर नहीं, पर वो स्कीम में हमें मकान मिला है। अच्छा, आपको मकान में, स्कीम में मकान मिला है? हाँ। अच्छा है मकान? हाँ अच्छा है मकान। आपको लग रहा है कि और कोई पार्टी आ सकती है जो यहाँ पर काम कर सकती है भाजपा के अलावा? भाजपा जैसा अच्छा कोई काम नहीं कर सकते, कोई और काम नहीं कर सकते। नहीं। और महिलाएं यहाँ पर रुकी। मैडम आपका क्या नाम है? भारती बेनेगा। कहाँ से? अहमदाबाद से। तो क्या अभी कैसा देख रहे हैं अटल ब्रिज? पहली बार? पहली बार। अच्छा, अभी महिलाएं क्या चाह रही है? उन्होंने कहा कि उनको जैसे मकान मिला है, आपको क्या ऐसी कोई सुविधा का फायदा मिला है जो कि बीजेपी ने चलाई हो? नहीं, कोई ऐसी स्कीम का नहीं। तो क्या चाहती है महिलाएं इस बार? इस बार भाजपा ही रहने चाहिए यहाँ पर, या फिर बदलाव होना चाहिए? भाजपा ही क्यों? अच्छा लगता है। आम आदमी पार्टी? आप कह रही है कि हम सिलेंडर आप घर में इस्तेमाल करती है, कांग्रेस कह रही 500 में सिलेंडर देंगे, उसके आधार पर वोट जाएगा ना? अपना तो भाजपा बरोबर ही गया, मोदी करता बरोबर। मोदी बराबर। मैडम आपका क्या नाम है? संगीता बहन। संगीता बहन, तो क्या वो कह रही मोदी बराबर, आपके लिए भी मोदी बराबर, या फिर आप केजरीवाल या राहुल देखना है? मोदी। क्यों? तो पसंद है या काम किया है, क्या वजह? काम किया। काम किया है, आपको दिखा आपके इलाके में अहमदाबाद में काम? अहमदाबाद में नहीं, हमें तो बाला सीनियर के। अच्छा, आप वहाँ से आई हैं, तो वहाँ आपके इलाके में काम दिखा आपको? हाँ। दिखा है। हाँ। अच्छा, और कुछ ऐसी चीजें जो महिलाएं की, महिलाओं की ख्वाहिश हो, जो मांग है कि अब जब 5 साल भाजपा आए तो वो ये काम करे? शाहरुख से। हाँ। और भी यहाँ पर एक भाई साहब हैं, सर क्या नाम है आपका? मुकुट लाल है। आप पीछे से बोल रहे हैं, आप सामने भी बोलिए ना। बोल, क्या है मन? मन में अच्छा है, मोदी विकास के लिए अच्छा काम कर रही है। और बाकी चीज? बाकी चीज तो महंगाई तो ज्यादा लगती है, अच्छा अच्छा काम अच्छा लगता है, दूसरा काम जरा गलत कर देती है। दूसरा काम गलत, तो उसके आधार पर वोट अभी दूसरी पार्टी को जाए? विकास के लिए अच्छा है, बाकी दूसरे अब आप दो बार विचारेंगे पब्लिक।
अभी दो बार विचार करना है, करने के पड़ेगे। सामने विकल्प भी आपको कौन दिख रहा है? विकल्प तो भाजपा विकास तो के लिए एज अच्छी है, लेकिन मोहगवारी के लिए कब मार पड़ेगा। तो महंगाई कम करने के लिए कौन सी पार्टी अच्छी लगेगी? पार्टी तो कांग्रेस से लाना चाहिए ना, कांग्रेस लाना चाहिए। और आम आदमी पार्टी? आम आदमी तो नया नया है, इसकी क्या भरोसा। पंजाब में तो दिल्ली में सरकार बना ली। कौन गया? आप मीडिया वाले गए होंगे, हम तो कहाँ गए। अच्छा, आपने नहीं देखा? देखा पंजाब, देखा ही नहीं, गए नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल तमाम लोगों की राय हमने आप तक पहुंचाई। लोगों की राय बटी हुई है, लेकिन ज्यादातर लोग चाह रहे हैं कि भाजपा आए, लेकिन अभी भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं किसी कोने में ये विचार है कि दूसरा विचार अभी किया जा सकता है, क्योंकि विकास चाहे बीजेपी के टेन्योर में हुआ है, लेकिन महंगाई बढ़ी है, उस महंगाई का खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बार के चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।